मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत पाली नगर के बाजार स्थित प्राथमिक विद्यालय में चेयरमैन रिजवान खान ने शिलापट का लोकार्पण किया। यह शिलापट पाली के वीरों को समर्पित किया गया है। यहां आयोजित एक संक्षिप्त कार्यक्रम के दौरान पाली के चेयरमैन रिजवान खान ने कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के समापन पर मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत पाली नगर के प्राथमिक विद्यालय में पाली के वीर सपूतों को समर्पित करते हुए शिलापट लगाया गया है, जिसका उन्होंने सभी सभासदों की मौजूदगी में लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि उन्हें गर्व है कि उनके पाली नगर के दो वीर सपूत स्वर्गीय प्रभुदयाल वाजपेयी और स्वर्गीय जुम्मन खान ने स्वतंत्रता की लड़ाई में अपना योगदान दिया था। उन्होंने कहा कि कारगिल की जंग में भी पाली के एक वीर सपूत शहीद आबिद खान ने शहीद होने से पहले कई पाकिस्तानियों को धूल में मिला दिया था। शिलापट के लोकार्पण से पूर्व स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और शहीद के परिजनों को चेयरमैन ने अंगवस्त्र भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। इस दौरान चेयरमैन ने कहा कि पाली के तीन वीर सपूतों ने अपना जीवन मुल्क के लिए समर्पित कर अपना नाम सदैव के लिए अमर कर लिया। जब तक पाली का इतिहास रहेगा, इन तीनों सपूतों का नाम भी स्मृतियों में जिंदा रहेगा। इस मौके पर वरिष्ठ लिपिक बबलू दीक्षित, आरिफ खां, रिजवान अली, दिलीप दीक्षित, ब्रजेश कुशवाहा सहित सभी सभासद और गुलाम साबिर एवं करुणाकांत मिश्रा, फरहान खां, रेहान खां आदि लोग मौजूद रहे। हमारे बीच मौजूद है, मुझे फख्र होता है नगर पंचायत पाली के अध्यक्ष की हैसियत से कि मुझे उनका सम्मान करने का मौका मिलेगा। आज कारगिल शहीद आमिर खान के परिवार से भी उनका बेटा यहां मौजूद है। यहां हिंदुस्तानियों का जज्बा रहा है कि जब जब किसी दुश्मन ने हमारे देश की तरफ अपनी नापाक निगाहें, अपनी नापाक नजरें डाली है, तो हमारे देश के सैनिकों ने उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया है। कारगिल की पहाड़ी पर जब हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के लोगों ने हमला किया था, तो हिंदुस्तान के वीर सैनिकों ने उन्हें मुंहतोड़ जवाब देते हुए आपके पाली के शहीद आमिर खान ने 17 पाकिस्तानियों को सीने पर गोली डालकर हमारे आमिर खान को भी याद करते हैं और सलाम करते हैं। बहुत कुर्बानियां हुई है, आजादी हमें आसानी से नहीं मिली है।